वेलकम गाइज, जीके एम्स क्यूज एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एम्स क्यूज एम के चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नॉन स्टॉप। सो गाइज, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स से यानी कि भौतिक विज्ञान से, वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले। भौतिक विज्ञान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर है आपके साथ हम शेयर करने वाले। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में। बेसिक नॉलेज है गाइस जो कि आप में होना चाहिए। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, या फिर अवतल दर्पण में, या फिर इनमें से सभी। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, पहले तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है आपके ख्याल से, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग बताओ। अगर सही रहा तो आपकी नॉलेज ठीक है, अगर गलत रहा तो आपकी नॉलेज कम है। ठीक है, अब कम को कैसे पूरी करोगे, वीडियो देखो हमारे जितने भी अवेलेबल है, लिस्ट में से निकाल निकाल के ऑटोमेटिक आपकी प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ने से क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, लेट मी चेक ही कर लेते हैं, आपको बस दिखाई देते हैं इसका, समतल दर्पण से। ठीक है, ये ग्रीन हो गया देखो आपके लिए, समतल दर्पण से। चलो आगे, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाली दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, समतल, उत्तल, अवतल, या फिर समतल, अवतल, उत्तल, अवतल, या फिर समतल, उत्तल, बताइए। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका समतल उत्तल। ठीक है, समतल उत्तल। बढ़ो आगे, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है गाइस, उल्टा, सीधा, सीधा और उल्टा, इनमें से कोई नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उल्टा। ठीक है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या फिर समतल, या फिर उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, बताइए। सो गाइज, वो बनाता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बड़ा होता है, या फिर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या फिर आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, सभी कथन सत्य है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये जैसे आपका दर्पण है, ठीक है, ऐसे तो लिखते हैं दर्पण को। ठीक है, इधर से कोई आई किरण तो इधर निकल गई, यानी कि जितने एंगल से आए ना, ये इतने एंगल से वापस चली जाएगी ये एंगल। ठीक है, ये विलंब हमने डाल दिया। बढ़ो आगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, सीधा और आभासी, वास्तविक। समतल दर्पण तो जानते हो, जिसमें आप शकल देखते हो रोजाना, ठीक है, हेयर स्टाइल जमाते हो, वो वाला दर्पण समतल दर्पण। ठीक है, आपके घर में जो लगा हुआ है तो उसमें देखा करो आप, पहले तो आप बताओ आपका जो प्रतिबिंब दिखता है वो सही है क्या, वो उल्टा होता है गाइस, उसमें दायां भाग बायां, बायां दायां दिखाई देता है, बट आपका चेहरा क्या है आपको महसूस नहीं होता। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। सो गाइस, वो होता है आपका सीधा होता है बट आभासी होता है। ठीक है, चलो आगे, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। गाइस, आपकी आँखें जो होती है उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करती है, परितारिका, पुतली, लेंस, या पश्चिमावय। देखो, आपको पता है कि संसार में कहीं कहीं ज़्यादा प्रकाश होता है, कहीं पर कम होता है। ठीक है, कहीं पर चमकदार चीज़ें होती है, धूप भी ज़्यादा खिली हुई होती है, तो नेचर ने सिस्टम दिया है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ प्रकाश ज़्यादा हो तो कंट्रोल किया जाए, तो कौन करता है कंट्रोल प्रकाश को। सो गाइज, परितारिका। ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूर्व, यानी कि सूर्योदय हो गया, यानी कि और सूर्य सनसेट और सनराइज। ठीक है, सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, गोलाकार, घनाकार, अंडाकार, चपटाकार। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, चपटा। ठीक है,
चपड़ा दिखता है गायो। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर तो दर्पण कैसा होगा? यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण कैसा होगा? अवतल, उत्तल, समतल या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर प्रतिबिंब सीधा है आकार में वस्तु के बराबर है तो इसका राइट ऑप्शन समतल। ठीक है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा, इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है गाइज, वो होता है आपका काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक होता है गाइज। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, मिट्टी, प्लास्टिक, कांच। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? मिट्टी। ठीक है, चलो आगे। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या फिर अन्य। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। याद रखना है बेसिक बातों को, ये काफ़ी सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट को उलझा देती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तो हम ही को आ रहा है औरों को नहीं आ रहा, और वो एक्साइटेड होकर गलत करके आते हैं 100%। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस ज़रूरी है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है गाइज? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक मीटर, मीटर स्क्वायर या फिर डायोप्टर या फिर अन्य। सो गाइज राइट ऑप्शन है डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर में मेजरमेंट करते हैं लेंस की क्षमता को। देखो किसी को मेजरमेंट होता है, किसी का मात्रक होता है हर चीज़ का। ठीक है, चलो। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपरावर्तन या फिर परावर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं। दुनिया में जितनी भी घटनाएं होती है, इंद्रधनुष का दिखना, सूरज का चपटा दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, पानी में बहुत सारे डूबी छड़ों का छोटा दिखाई देना, टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देना, गर्मियों के दिनों पे सड़कों पर पानी दिखाई देना, काफ़ी सारी घटनाएं देखी होगी, बट ये रियल नहीं होती, कुछ ना कुछ कारण होता है जिसकी वजह से होती है। ठीक है, और वो कारण यहाँ पर दे रखे आपके सामने। तो यहाँ आपसे एक ही कारण पूछ लिया कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, किस कारण से? सो गाइज वो है अपवर्तन के कारण। ठीक है, साइंस के स्टूडेंट सब जानते हो क्या होता है अपवर्तन, परावर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, ये सब जानते हो। ठीक है, चलो आगे। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है गाइज? परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, सो गाइज इसका रीजन है अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन के कारण। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है, फोकस, ध्रुव, द्वारक, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इज द्वारक। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं कौन से दर्पण? अवतल, उत्तल, समतल। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं कौन से दर्पण किए जाते हैं, क्यों किए जाते हो तो आपको पता ही होगा। सो गाइस वो किए जाते हैं अवतल दर्पण। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और काफ़ी बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं कौन सा दर्पण? समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। हीरे का अपवर्तनांक होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। डायमंड सब जानते हो, बहुत कीमती होता है डायमंड। ठीक है, 1.77, 1.47 या फिर 1.44 या फिर 2.42। हीरे का अपवर्तनांक बताना है आपको। सो इसका राइट ऑप्शन है 2.42। ठीक है, बढ़ो आगे। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर अन्य। सो गाइज उत्तल दर्पण लगा होता है, क्योंकि उनको काफ़ी सारा एरिया देखना होता है और छोटा देखना होता है। ठीक है,
तो उत्तल दर्पण उसमें लगा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन, टॉर्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? समांतर प्रकाश पुंज, संतृप्त प्रकाश पुंज, असंतृप्त प्रकाश पुंज, या फिर सभी कथन सत्य। सो गाइज, संतृप्त प्रकाश पुंज। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा, आभासी उल्टा। बताइए आपके जो नेत्र है ना उसके रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो गाइस, जो होता है वास्तविक और उल्टा, ठीक है, ये बनता है आपके रेटिना पर, याद रखना, गांठ बांध लेना, क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चनों की तो कोई भी कमी नहीं छोड़ रखी, ये क्वेश्चन भी कम लग रहे हो ना आपको, तो हमारा एक और चैनल जेकेलोन जॉब चैनल, लिंक नीचे दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसका, जेकेलोन जॉब चैनल का। वहाँ पर भी 25 केमिस्ट्री बायोलॉजी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे नॉन स्टॉप डेली, ठीक है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है आयरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलरी पेशियों द्वारा, कॉर्निया द्वारा। राइट ऑप्शन सिलरी पेशियों द्वारा, ठीक है। वीडियो तो रेगुलर हम आपके लिए अपलोड करते, कोई भी ना तो संडे को छोड़ते ना मंडे को, हर दिन अपलोड करते। कोई वैकेंसी, कोई वेकांट आ जाता, हॉलीडे आ जाए तो उस पर भी अपलोड करते। कोई मान लो त्यौहार आ गया, हम तो अपलोड करते, बट स्टूडेंट फिर क्या है त्यौहार मनाने में लग जाते हैं, तो हम भी बोल देते चलो भाई ठीक है। बट अगर आप चाहते हो तो दो दो वीडियो भी डाल दें हम तो, ठीक है। किसी नेत्र का निकट बंधु है गाइज, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, या फिर 3 मीटर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? परिवर्तक द्वारा, या फिर दृढ़ तंत्र की भांति, पुतली की भांति, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका परिवर्तक द्वारा की भांति। और लिंक नीचे दे रखा है इंस्टाग्राम फेसबुक का।